Order 26 of Specific Relief Act 1963. ये सेक्शन 26 चैप्टर 3 है. ये डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग. इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जब आप कोई रिटर्न फॉर्म में कोई भी मैटर है उसको आप रिटर्न फॉर्म में कर लेते हो तो वह एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. इट मीन्स अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है. पर क्या होता है कि जब दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वो बना रहे थे उसको, तो जब उन्होंने बना के बाद में देखा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे वो एक्चुअल में वो रियल एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहे हैं. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से वो मीनिंग तो निकल ही नहीं रहा जिस चीज़ के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था. तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हुआ. ऐसा इसलिए भी हो सकता है, या तो दोनों पार्टीज़ की मिस्टेक रही, म्यूचुअल मिस्टेक है दोनों पार्टीज़ की, या फिर उन्होंने आपस में फ्रॉड किया है, किसी एक पर्सन ने उसमें से कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसा हो जाता है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कोई भी जो पार्टी है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक अलग से सूट फाइल कर देगा इस चीज़ के लिए कि भई इस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके अंदर आप रेक्टिफिकेशन चेंजेस ले आइए. कोर्ट के थ्रू जाके वो उस इंस्ट्रूमेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी इन राइटिंग है उसको ठीक करवा सकता है, रेक्टिफाई करवा सकता है. या फिर क्या है कि उन्होंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, वो अलग से सूट डालने की जगह उन्होंने क्या किया कि जो मल्टीपल लिटिगेशंस को अवॉइड करने के लिए कोई ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग कोई भी राइट है किसी पार्टी का वो भी उसके अंदर फैक्ट इन इश्यू है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर प्लेंटिफ है तो वो अपनी प्लेंट के अंदर ये क्लेम कर सकता है कि सर जिस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग कोई राइट के रिगार्डिंग मैं आपके पास आया हूँ, मैं उसमें ये क्लेम करता है साथ में कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप प्लीज़ रेक्टिफाई कर दीजिए क्योंकि वो इट डज़ नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. ठीक है, अब सेकंड क्या है कि जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए प्लेंटिफ नहीं करता, डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में इस रिलीफ के बारे में मांग सकता है कि भई हमें जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवाना है. अब बात आती है कि जब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात आ रही है तो लॉ कहता है कि जब आप मांगोगे, जब आप कहोगे कोर्ट को, तो तभी कोर्ट उसको रेक्टिफाई करने की बात करेगी, रेक्टिफाई इंस्ट्रूमेंट की बात तभी करेगी वो, अदरवाइज़ कोर्ट नहीं करेगी. पर मान लीजिए कि जब आप प्लीडिंग्स में प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे थे तो उस टाइम आपको ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई भी करवा सकता हूँ, पर बाद में पता चला, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो ऑर्डर 6 रूल 17 की अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग की, और फिर कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है. इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोर्ट आपको तभी अलाउ करेगी स्पेसिफिक रिलीफ रेक्टिफिकेशन जब आप कोर्ट से कहोगे. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपने मान लीजिए कि कोर्ट के प्लीडिंग्स को या तो आपने कोई सूट फाइल किया है या फिर प्लेंट के अंदर मेंशन किया है रिटर्न स्टेटमेंट में या फिर बाद में अमेंडमेंट करके किया है, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी. कोर्ट को भी लगता है कि हाँ इसमें तो रियल इंटेंशन, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है इट डज़ नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन. जब कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट कहती है कि भाई जो आपने मुझसे रिलीफ मांगा है वो हम आपको तभी देंगे जब सबसे पहले आप इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करके लाइए, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट डायरेक्शन होती है वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने की होती है, उसके बाद आप और पार्टीज़ ने जो भी उसके रिगार्डिंग कोई राइट अराइज हो रहा है तो कोर्ट उसके बाद उस फैक्ट को देखेगी. अब जो कोर्ट होती है वो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ का एनफोर्समेंट करवाती है. मतलब अब जब एक बार रेक्टिफाई हो जाता है उसके बाद जो और पार्टीज़ ने डिमांड करी है फिर उसको देखते हैं, पर उसको भी डायरेक्शंस देते हुए कोर्ट क्या करेगी, अगर किसी थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कोई राइट एक्वायर किया है तो कोर्ट ये भी देखेगी कि अगर मैं आज इसको रेक्टिफिकेशन के लिए कहता हूँ या कोई और राइट एनफोर्स करवाता हूँ तो जो थर्ड पार्टी है उसके राइट्स को कोई प्रेजुडाइज ना हो.